हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं जो लेकर के आई हूँ प्रोडक्ट, वो है हेयर कलर। ये जो दो तरह का हेयर कलर है फ्रेंड, आप देख सकते हो ये दो तरह का हेयर कलर है। ये दोनों हेयर कलर के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि दोनों में कौन सा बेस्ट होता है, कौन सा लगाना अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। प्राइस से लेकर के पूरे क्वान्टिटी तक का इसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ। कैसे कलर करेंगे वो भी मैं बताऊँगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड ये बात करते हैं, ये निशा मेहंदी है और ये नूपुर मेहंदी है। नूपुर गोदरेज, नूपुर मेहंदी, ये गोदरेज का प्रोडक्ट है। नूपुर मेहंदी है, ये भी देख सकते हो आप, नेचुरल हेना बेस्ड हेयर कलर है। ये भी नेचुरल हेना बेस्ड हेयर कलर है। दोनों की अगर कीमत की बात की जाए तो दोनों जो है 10 रुपये में आता है और आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर आराम से मिल जाएगा। इसे परचेस करने में कोई परेशानी आपको नहीं आती है। और अब बात करते हैं फ्रेंड, इसकी मैन्युफैक्चर डेट कितनी होती है। अगर आप एक बार एक पैकेट खरीद के ले आते हो तो इस पैकेट को आप कितने दिन तक रख सकते हो अपने घर में और ये ख़राब नहीं होगा। तो ये 24 मंथ यानी कि 2 साल तक इसको आप आराम से घर पर इसे रख सकते हैं। और अब बात की जाए फ्रेंड इसकी, इसकी भी वही है मैन्युफैक्चर डेट। आप 2 साल तक मैन्युफैक्चर डेट से बाद तक रख सकते हैं आप इसे। तो फ्रेंड अब बात करते हैं कि नेचुरल ये जो हेयर कलर है इसमें क्या क्या होता है। ये जो नेचुरल हिना कलर है फ्रेंड, ये दो प्रोडक्ट जो मैं आज लेकर के आई हूँ, ये नूपुर का है और ये निशा का है। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट बता रहे हैं कि हम नेचुरल हैं। और दोनों में देखिए, आप देख सकते हो सब कुछ लिखा हुआ है, हर्बल, इतने सारे हर्ब्स इसमें भी हैं, इतने सारे हर्ब्स इसमें भी हैं। ये भी सॉफ्ट एंड शाइनी हेयर देता है आपको और ये भी सिल्की शाइनी सॉफ्ट हेयर आपको देता है। तो अब हम कौन सा खरीदें, कौन सा नहीं खरीदें, कौन सा हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। तो फ्रेंड बात अगर यहाँ पर इसकी क्वांटिटी की आती है तो ये जो है 10 ग्राम का आपको मिलता है, 10 रुपये में 10 ग्राम का होता है, मिलता है। और इसकी क्वांटिटी फ्रेंड हमें पता नहीं चल रहा है, दूसरे वीडियो में मैं इसे बता दूंगी कि इसकी कितनी क्वांटिटी है। यहाँ पर अभी मुझे पता नहीं चल रहा है, देख सकते हैं, देखने की मैं कोशिश तो कर रही हूँ बट पता नहीं चल रहा है कि कितनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे घोलते हैं, घोलने वाला वीडियो मैं बना दी हूँ, आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके, मेरे चैनल पर भी देख लीजिएगा। आज हम घोलने की बात नहीं करेंगे, इसे बनाने की बात नहीं करेंगे, आज मैं इस प्रोडक्ट की सिर्फ बात करने वाली हूँ। ठीक है, ये जो है अगर इसको आप बाल कलर करते हो, इससे इससे आपका बाल जो है ब्लैक आता है, नेचुरल ब्लैक आता है। लेकिन हाँ, इसमें आप क्या करोगे जो कि आपका ब्लैक नेचुरल ब्लैक हो, कभी कभी जेट ब्लैक भी हो जाता है, यानी कि डार्क ब्लैक हो जाता है, जैसे लगता है कि आपने डाई किया हुआ है, बिल्कुल बेकार दिखता है ऐसा। तो आपको करना कितने देर तक रखना है जो कि अच्छी तरह से कलर आए। तो फ्रेंड आधे से 1 घंटे काफ़ी है इसके लिए। आपके बाल के टेक्सचर पर डिपेंड करता है, यानी कि आपके बाल के रंगने की कितनी क्षमता होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी निशा मेहंदी का। पहले निशा मेहंदी जो है फ्रेंड, ये नेचुरल हर्बल है। इसे मैं लगाई भी हूँ, लगा के आपको दिखाई भी हूँ और इसे मैं अक्सर लगाती भी हूँ। आप मेरे चैनल पर देखिएगा जाके, बहुत सारा हेयर कलर मैंने बनाया है। मैं सुपर वाशमल का बनाई हूँ, निशा मेहंदी का बनाई हूँ, नेचुरल हेयर कलर भी मैं दी हूँ, यहाँ तक कि फ्रेंड मैंने मेहंदी लगा के भी दिखाया अपने बालों पे। तो अगर आपको कलर पसंद है ये, तो आप इसको परचेस करके ले आइए। ये पाउडर फॉर्म में आता है और 10 ग्राम का होता है। अगर आप इसे एक बार लाते हो तो अगर आपके बालों के लेंथ के जो है थोड़ी कम है, तो ये 2 से 3 बार आप बालों पर इसे आराम से अप्लाई कर सकते हो। और ये जो है फ्रेंड, ये नूपुर मेहंदी है, ये भी सेम प्रोडक्ट ही है और इसकी क्वांटिटी जो है थोड़ा कम भी आप लोगे तो ये बालों पे जल्दी से कलर आ जाता है। ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। और अगर मतलब कलर की बात अगर की जाए, तो अगर आपके बालों पे कलर लगाना करना है, आपको आपके बालों पे कलर नहीं आता है, तो आप बालों को पहले साफ कर लीजिए, उसके बाद बालों पर इसका कलर चढ़ाइए, आराम से आएगा। और फ्रेंड बात आती है कि इसको कलर करने के बाद शैम्पू से बाल धोए या फिर सिर्फ पानी से बाल धोए। तो इसको फ्रेंड आप जब भी कलर कीजिए ये दोनों कलर को, तो हालांकि फ्रेंड ये कहता तो है ये मेहंदी है, लेकिन थोड़ी बहुत मतलब डाउट है, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो मिलाया ही जाता होगा। तो इसलिए मैं फ्रेंड ये बोलती हूँ, अगर आप इसको कवर करते हो बालों को, ग्रे हेयर को कवर करने के लिए आप इसे अप्लाई करते हैं, तो आप आधे घंटे के बाद अच्छी तरह से शैम्पू से, हर्बल शैम्पू से आप बालों को धोया कीजिए। अगर आप हर्बल शैम्पू से धोते हैं तो बालों का कलर, ये जो कलर है बालों पे लंबे समय तक रहेगा।
अगर आप हर्बल कलर से नहीं धोते हो तो बालों पे जो कलर है ये थोड़े कम क्वांटिटी में, मतलब थोड़े कम समय तक ये रहेगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप सभी लोगों से, कि आप जब भी बालों पे कलर कीजिए इन सब चीजों से, आप शैम्पू से सबसे पहले अच्छी तरह से साफ कीजिए, फिर शैम्पू के इसके बाद शैम्पू से आप अच्छी तरह से साफ कीजिए। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं जो बताई, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, और आप अपना रिक्वेस्ट भेजिए, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरा भी है कि आपको जिस चीज की जरूरत है आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमें बोलिए, क्योंकि फ्रेंड एक आदमी को उसकी कमी का एहसास कभी नहीं होता है अगर सामने वाला उसे नहीं बताता है। तो मुझे भी पता है मुझ में कमी है, लेकिन कहाँ पे क्या कमी है अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हम कैसे जानेंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग हमें कमेंट कीजिए और बताइए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह का वीडियो हमें आप लोगों के लिए लाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।